हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदी मन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 जो 7 नवंबर 2020 को एग्जाम लिया गया था, जो कि सेकंड पारी में 3 बजे से 5 बजे तक का, ठीक है। तो पेपर 8 जो है आपका, यानी प्रश्न पुस्तिका जो पेपर 8 है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने पेपर दिया है और आप इसकी सही जांच करना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिला सकते हैं। सही उत्तर के लिए आपको पता है कि 1/2 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 अंक जो है वो आपके काटे भी जाएंगे, ठीक है। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं पेपर में, तो यहाँ आप देख सकते हैं, और उसके बाद अपने मार्क्स जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपने इसमें से कितने सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वैन आरेख का चयन करें। जूते, फुटवेयर और चूड़ियां। तो यहाँ इन चार ऑप्शन में से आपने कौन सा आंसर जो है वह सही लगाया है। देखिए, इन चारों में से आंसर जो है वह आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा। तो देखिए, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, तो वह उसने अपने तरीके से लगाया है, और ये मैं मार्कर से आपका लगा रही हूँ आंसर, तो यह आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आप अपने आंसर जो है वो लगाते जाइएगा। सेकंड है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है, ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, मॉडम, हब, स्विच, नेटवर्क इंटरफेस या कार्ड। तो ये कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आया था आपका, इसका सही आंसर होगा मॉडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर मॉनिटर के नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन डैश से होता है। किससे होता है, पिक्सल की संख्या, प्रति इंच, डॉट की संख्या, इसकी चमक या इसकी पीपीएम। तो आपने इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही लगाया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का, जो एग्जाम 7 नवंबर 2020 को लिया गया था, जो कि सेकंड पाली में 3 बजे से 5 बजे तक जिन अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया था, तो वो उनकी क्वेश्चन सीरीज जो है, तो उसमें आंसर कितने सही होते हैं ये हम आज बताएंगे, और आप अपने आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। यदि आपने सही उत्तर दिए हैं, तो आपको हर प्रश्न पर 1/2 अंक दिया जाएगा, और यदि आपने गलत उत्तर दिया है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 अंक आपका काटा भी जाएगा। तो ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा ठीक है, तो कुल आपके 150 प्रश्न का ये क्वेश्चन पेपर था, नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो अब आप इसे देख लीजिएगा, ये पेपर 8 है, जिस बच्चे का ये पेपर लिया गया है, तो यह पेपर 8 है, जो कि 7 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था। चलिए अब अपने जो भी आंसर हैं उनको मैच कर लीजिए कि आपके कितने सही होते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके कितने राइट हुए। निम्नलिखित वर्गों की सेट के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वैन आरेख का चयन करिए, ठीक है। यहाँ वैन आरेख दिए गए थे, जूते, फुटवेयर या चूड़ियां। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही था। देखिए, आप अपना आंसर सही लगा लीजिए। ये किसी बच्चे ने ए आंसर लगाया था, बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से स्टार्ट होते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप से रूपांतरित करता है, ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं। मॉडम, हब, स्विच, नेटवर्क इंटरफेस। तो इसका जो सही आंसर हुआ था वह मॉडम हुआ था। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन डैश से होता है। तो इसका मापन जो है वह पिक्सल की संख्या, प्रति इंच, डॉट की संख्या, इसकी चमक या इसकी पीपीएम। तो इसका जो आंसर है वह होगा आंसर नंबर 2, यानी कि बी। तो देखिए, जिस भी बच्चे ने ये आंसर दिए हैं, ये उसके सही हैं आंसर, आप भी मैच करते जाइएगा।
नेक्स्ट है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए हैं कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता या करते हैं। तो यहाँ कुछ कथन है उसका निष्कर्ष भी है। तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन होती है। हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए कठिन परिस्थिति थी। तो इन कथन में से कौन सा कथन सही है जो कि निष्कर्ष का अनुसरण करता है? तो देखिए, मैं आपको केवल आंसर बताऊंगी तो आपको आंसर मैच करना है। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वह होगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए, इस आंसर को आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को। तो ये भी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड ही है। कथन दिए हैं, अमित वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है, तो इसके निष्कर्ष भी दिए हुए हैं। तो देखिए, आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन, तो आपने कौन सा आंसर इसमें सही किया है? तो इसका जो आंसर है वह होगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था, तो ये क्वेश्चन भी कथन और तर्क का ही है, प्रश्न और तर्क का ही। नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, प्रश्न क्या बच्चों के स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए, और तर्क था कि हाँ इससे ये सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करें। सेकंड था नहीं, बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने कोई लाभ नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर था? तो देखिए, इसमें आंसर जो है वो बिल्कुल ए सही है। तो जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है तो उसने आंसर जो है वो लगभग सही लगाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने, नेपोलियन ने, जार ने या महात्मा गांधी ने? तो ये नारा जो है वो हिटलर ने दिया था। क्वेश्चन एट, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। तो जिसने महाजनपद पढ़े हैं तो उन्होंने तो फटाफट से इसका आंसर दे दिया होगा, सुक्तिमती, मथुरा, कौसाम्बी या वाराणसी। तो वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौसाम्बी। ठीक है, चलिए आप अपने आंसर जो है वो सही लगाते जाइएगा और बाद में बताना कि कितने आपने राइट किए। 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तानिया सचदेवा, मैरी एन गोम्स, हम्पी कोनेरू, हरिका द्रोणावल्ली। तो इनमें से जो आंसर होगा ये होगा सी। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ए धारा 4, बी है धारा 6, सी है धारा 8A और डी है धारा 8B। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है वो इतना हार्ड नहीं था, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट पर है, देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? तो किस राजा के में कराया गया था? कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका और बाबर। देखिए, यहाँ पर राव बीका ने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। ठीक है, राव बीका ने, लेकिन यहाँ पूछा क्या है किस राजा के राज्य में? तो आपका आंसर जो होगा वो होगा राजा राय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1956, 1965, 1971 या 1967? तो बता, इनमें से जो आंसर है वो आपने कौन सा सही किया है? तो इसमें आंसर जो है वह है राइट 1956। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो यहाँ अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है, तो आंसर जो है वह है 34। अगर अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जाता तो आंसर होता ए 25। जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं? तो इसका आंसर जो है वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। तो मैं फटाफट से आंसर बता रही हूँ और आप इनको मैच करते जाइए। नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, तो इन प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क जो है वो मजबूत है? तो इस 15 का जो आंसर है राइट वो है केवल तर्क एक मजबूत है। तो ये जो जो भी ये बच्चा है ये बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसके सभी आंसर जो है वो लगभग सही हो रहे हैं। निम्नलिखित वर्गों के सेट के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वैन आरेख का चयन करें, फूल, गुलाब या कमल। तो इनमें से सही आंसर जो है वह देखिए, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो आपको ये आंसर जो है इसमें ए और डी दोनों में ही हो सकता है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है, इसमें आपको
हो सकता है बोनस अंक मिले, और अगर होगा तो आंसर जो है वो बी बी होगा, ठीक है। लेकिन शायद इसे क्रॉस मान लिया जाएगा और आपको बोनस अंक मिल जाएगा 16 वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है HTTP, ठीक है, ये राइट आंसर। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा HDMI का, ठीक है, HDMI का। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो देखिए ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए औरंगजेब तो नहीं थे, उसके बाद उनके पुत्र भी थे, बाबर तो स्टार्टिंग के ही है, शाहजहां बिल्कुल मध्य में है, तो बचे कौन? बहादुर शाह जफर, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी के स्टार्ट होते हैं, लीजिए एक नया यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बांगर, खादर, धरण या खरीफ? तो देखिए जलोढ़ मृदा दो ही टाइप की, बांगर और खादर, तो जो नई है वो तो खादर और पुरानी जो है वो बांगर, तो आंसर जो है वो बीस का सही होगा। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन आया है ये, इसका आंसर था चंद वरदाई। किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? धारा 354, 354A, 354C या 354B? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 354, धारा 354। उसके बाद है नेक्स्ट 23। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़, जैसलमेर का किला या नाहरगढ़? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का किला। तो यदि आपने आरबीएससी की बुक पढ़ी है तो आपने हिस्ट्री के, पॉलिटी के आंसर बिल्कुल सही किए हैं, ज्योग्राफी में भी बिल्कुल आरबीएससी की बुक से ही आया है। पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर क्या है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सोडियम क्लोराइड है वह पंचपदरा झील में, और यहाँ पर 98% कितना अनुमान है इसका, 98% यहाँ सोडियम क्लोराइड जो है नमक जो है वो पाया जाता है। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य हैं? तो देखिए जनवरी 2020 तक की, तो यहाँ पर आंसर है शून्य। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य, लाल सिंह सत्तावत, नारायण सिंह मसूदा या पूनम चंद विश्नोई? तो इसका आंसर है लाल सिंह सत्तावत, ठीक है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। अब रीजनिंग से स्टार्ट होते हैं, 27 है, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए हैं, बिल्कुल पहले की तरह ही ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है डी, ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो मजबूत है, तो आपने कौन सा सही किया है आप अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय जो सेट है उनके बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वैन आरेख का चयन करें, अनानास, पशु और फल? तो यहाँ पर आंसर जो है वह होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तो जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, जो थर्ड जनरेशन थी तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था सीपीयू में, ठीक है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, डैश ने MACOS को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखते हैं, तो कौन रखते हैं इसका स्वामित्व? आंसर क्या है? IBM। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? तो अगर आपने बिल्कुल आरबीएससी पढ़ी है तो आपने आंसर सही लगाया होगा कि मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्व ने महान स्नानागार कहा था, बिल्कुल सही है ये। तो लोथल तथा कालीबंगा में आग की वेदी है, ये बिल्कुल सही है, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ हुआ होगा आपको लोथल में, लेकिन अगर आपने बुक पढ़ी है आरबीएससी में वहां बिल्कुल लिखा हुआ है लोथल और कालीबंगा में अग्निवेदिका जो है उसके साक्ष्य मिलते हैं, तो ये दोनों ही आपके सही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दोनों ही सही है बिल्कुल लाइन। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ है जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करते हैं? मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु या कोलकाता? तो आंसर क्या है? कोलकाता। नेक्स्ट है
तो आंसर क्या था? कोलकाता। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, तो यहाँ पर महिला शासक पहली पूछी है, वो भी मुस्लिम, नूरजहां, मिर्जा अल्तुनिया, महामंगा या रजिया सुल्तान। बिल्कुल इसका आंसर जो है वो रजिया सुल्तान है। तो देखिए मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ चैनल पर, तो वहां अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का गलत नहीं हुआ होगा। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो आंसर जो है वो होगा आपका धारा 376। धारा 376। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में डैश के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण कराया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवा पाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करते हैं तो देखिए महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में डैश के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण कराया था। देखिए रानी विक्टोरिया जो है वो उस टाइम की नहीं है, रॉबर्ट वार्डन नहीं, राजकुमारी लुईस मार्गरेट नहीं। ठीक है, अब नाम से ही देख लीजिए कनॉट बांध का निर्माण कौन करा सकता है? ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ सोचा होता तो आंसर आप पहुंच सकते थे यहाँ पर। किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1956। नेक्स्ट देखते हैं, आप बिल्कुल आंसर सही लगाते जाइए। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि राजस्थान के उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, और उच्च न्यायालय कहाँ है? जयपुर। तो जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 19। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? 1984, 1958, 1948 और 1953। तो इसका आंसर होगा 1948। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अपने आंसर जो है वो पिक करते जाइए, क्योंकि इसमें पता है आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए एक रीजनिंग का है, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तो आकृति की दी हुई छवियों में से कौन सा सही दर्पण छवि होगी? तो यहाँ आपने क्वेश्चन किया होगा बिल्कुल एग्जाम में, तो इसका सही आंसर जो है वह है आपका आंसर सी। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 40, नीचे चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है। ठीक है, तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? डर, गुस्सा, दया। देखिए ये तीनों जो है वो एक तरह के भाव हैं, खेल जो है वो नहीं है, इसका मतलब आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं 41, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? देखिए ALU यानी कि अस्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी या माउस। माउस नहीं होता है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है, यानी फंक्शन है? वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस प्रबंधन, इंटरनेट की गति प्रबंधन या सिस्टम संसाधन प्रबंधन। तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, यहाँ आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आए होंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख डैश के रूप में जाना जाता है, तो लद्दाख जो है वो खापा चान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, खापा चान, ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? देखिए पुलिकट झील, काली वली झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी भी करेंगे चैनल पर, तो ये सभी जो है वो तटीय लेगून झील है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो चिल्का झील है वो है सबसे बड़ी तटीय लेगून। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो ये हम सभी जानते हैं, यहाँ तो किसी का आंसर गलत नहीं हुआ होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 46, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है धारा 376। क्वेश्चन 47, बीकानेर ऊंट त्योहार डैश के महीने में मनाया जाता है, जून, मार्च, जनवरी या अगस्त? तो ये आंसर है सी, जनवरी में। राजस्थान भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए क्वेश्चन 48, राजस्थान भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर है सीसा और जस्ता। तो ये भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो भीलवाड़ा है वो अभ्रक के लिए जाना जाता है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए डैश में राजस्थान के गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। देखिए बुक में हमने जब पढ़ा था, अगर आपने RBSE की बुक पढ़ी है, तो वहां आंसर था 1985, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आंसर है 1986। ठीक है, तो इसे आप, क्योंकि आपको यही मजबूरी में करना पड़ा आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्टेशन के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? तो इसका आंसर है रेवाड़ी हरियाणा से मदार राजस्थान सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 51। तो आप लगाते जा रहे हैं अपने आंसर, तो अगर आप थोड़ा सा, मैं स्पीड तेज है तो आप पॉज करके देख लीजिए। नीचे चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, तो इनमें से एक डिफरेंट है। जड़ें, तालाब, बीज और पत्ते। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है तालाब। उसके बाद रीजनिंग का है क्वेश्चन, दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो आपने देखा होगा कि छवि को दर्शाने वाले विकल्प में सही कौन सा है, तो ये आंसर है आपका ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या डीबीएमएस? ठीक है, तो आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डीबीएमएस। क्वेश्चन 54, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ईआरपी सॉफ्टवेयर? तो इसका जो आंसर है वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना या सतलज? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, बलराम झाकड़ या गणेश वासुदेव मावलंकर? तो इस जो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, जो स्पीकर थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो हम राजस्थान में रहते हैं, ये हमें पता है। हाथी नहीं है यहाँ, जिराफ, घोड़ा नहीं, ऊंट। इसका आंसर है ऊंट। नेक्स्ट है, धारा 376 DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? ये हम बिल्कुल अभी पढ़ ही रहे हैं चैनल पर कि बेंगू किसान आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ। 10th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है वहां हमें ये आंसर जो है वो भी देखने को मिलेगा, 1921 ईस्वी में। एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। यह राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन जो है वो है बारा में। ठीक है, इसका आंसर है बारा, ऑप्शन नंबर डी। किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? ठीक है, अब इसे सास बहु का मंदिर भी कहते हैं। तो यह उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका आंसर है जगतपुरा, उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन सा राजस्थानी है? ठीक है, तो जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है और राजस्थान का है वह है महासिंह राव। नेक्स्ट नेक्स्ट है 63। नीचे चार शब्द दिए गए हैं, वही तीनों समान हैं और एक डिफरेंट है। स्कूटर, नाव, मोटरसाइकिल और गाड़ी। तो ये सभी जो हैं वो सड़क पर चलने वाले हैं, लेकिन देखिए नाव जो है वो कहाँ चलती है? पानी में। नेक्स्ट है, दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करिए। तो ये वाटर जो है अगर हम जल में देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन होगा बी। इनमें से कौन सा एक अस्थिर मेमोरी है? तो इसका जो आंसर है वह है रेम, रीड एक्सेस मेमोरी। एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। भारतीय अब हमें पॉलिटी के, देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 67 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है? तो ये है अनुच्छेद 52 में हमें राष्ट्रपति के बारे में पता लगता है और 73 में हमें उपराष्ट्रपति के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 38। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें जो आंसर है वो होगा आपका तेलुगु। ठीक है, तो तेलुगु जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, PCPNDT किससे संबंधित है? तो यह जन्म से पहले लिंग निर्धारण यानी पता लगा लेते हैं कि गर्भ में बच्चा है या बच्ची है। ठीक है, नेक्स्ट है 71, राजस्थान में पतंग उत्सव डैस के महीने में मनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं पतंग जो है वो सर्दियों में ही हम उड़ाते हैं क्योंकि सर्दी में फंक्शन होता है। तो जन्माष्टमी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है सॉरी जन्माष्टमी नहीं, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा?
जनवरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या सब बिटुमिनस। तो इसका आंसर है लिग्नाइट। 73 किन वर्षों के दौरान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया गया था? तो यह 1985 और 86 के दौरान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए 74 पर देखते हैं, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो बिल्कुल ये तो सभी जानते हैं, राजवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी नहीं है, लैंडर पेस भी नहीं, और सुशील कुमार भी नहीं है। नेक्स्ट है, रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्नलिखित श्रृंखला में से आने वाले अगले पद का चयन करिए। ठीक है, रोड, ड्रोआ और एड्रो, इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। वास्तव मेज के शीर्ष यानी टेबल टॉप की तरह डैश वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। तो टेबल टॉप की तरह काम करता है, वो क्या करता है? डेस्कटॉप। नेक्स्ट है 77, कंप्यूटर जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या मेमोरी डिवाइस है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से दी जाती है? डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए या इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए? तो देखिए रिपोर्ट बनाने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है 79, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, पहले तो देखिए दमन द्वीप था, ठीक है, लेकिन अब दमन द्वीप और नागर हवेली जो है उसको मिला दिया गया, तो अब ये बड़ा हो गया है। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1988, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 81 है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बालाघाट, मांडला, भोपाल या इंदौर? तो इसका आंसर है मांडला। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? तो ये आंसर होगा आपका धारा 366 ख। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव डैश में मनाया जाता है। तो देखिए शीतकालीन उत्सव जो है वो जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में नहीं, बल्कि माउंट आबू में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई, कब की गई? 1978 में, ठीक है, 1978, ऑप्शन ए। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए डैश को राजस्थान में शुरू किया गया, ठीक है, तो जिससे कि गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो किसान को, तो यह है किसान कलेवा योजना। क्वेश्चन 86, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से प्रश्न जिनको प्रस्थापित कर सकती है। ठीक है, यहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा यह पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। तो आपके लगभग सभी आंसर जो है वो सही गए होंगे। नेक्स्ट है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डर, प्रोग्राम, अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण करने से इनमें से क्या कहलाता है? आइकन, सिंबल, टैब्स या रिबन? तो ये कहलाता है आइकन। इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? देखिए मास्टर कुंजी, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कुंजिया या क्वेरिटी? तो आंसर जो होगा वो मास्टर कुंजी होगा। नेक्स्ट है 89, बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपको बताए जा रहे हैं, और आप जब आंसर की देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा अलग। एमएस वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन डैश टैब में पाया जा सकता है? तो आंसर है होम। नेक्स्ट है 90, अवंती स्वामी मंदिर डैश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात या दिल्ली? तो अवंती स्वामी मंदिर जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय जो है वह है मुंबई में। क्वेश्चन 92, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो ठीक है, हमें सन तो हमेशा ही याद रही है, 1946 को। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को, दिसंबर 1946 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 2020।
18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, तो इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। ठीक है, तो गुलाबी नगर भी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं इसे, उदयपुर को। राजस्थान में कोटा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो कोटा, देखिए कोटा के किनारे जो है वो नदी बहती है, चंबल नदी, तो यहाँ इंडस्ट्री एरिया भी है, इसीलिए इसे औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। किसे? कोटा को। तो इसे औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है एक कहानी यह भी। चलिए रीजनिंग का देखते हैं, नीचे चार पद दिए गए हैं, इनमें से तीन पद आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, वही इनमें से कोई एक डिफरेंट है, तो आपने लगाया होगा आंसर, आंसर है DAF यानी ऑप्शन डी। नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, नया खोलने के लिए, तो वो है न्यू यानी Ctrl+N। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर या प्लॉटर। तो आंसर क्या होगा? प्लॉटर, क्योंकि ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। 100 है, एमएस एक्सेल सीट में सेल A1 में 5, A2 में 6, या तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो देख लीजिए आप, आपने आंसर लगाया होगा 100 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो आंसर है जापान। तो जिस बच्चे ने आरबीएससी की बुक ही पढ़ी है, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर पर भी ध्यान दिया है, तो वहां उसने बिल्कुल भी गलत नहीं किए होंगे। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए नृत्य के बारे में जो है वो मैंने वीडियो भी डाला है, वहां पर मैंने साफ साफ बताया था कि सतरिया नृत्य जो है वो है असम का नृत्य है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद जो है वो मीठा होता है? तो फलों का स्वाद जो है वो मीठा होता है फ्रुक्टोज की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। 104, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो आंसर है उसे 10 साल की सजा होगी, ऑप्शन नंबर डी। 105 क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब पूछा है कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है, तो उदयपुर में 6 जिले हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज भी आपको समझाई है। नेक्स्ट है, गुजरात राजगृह की डैश से है, गुजरात राजगृह जो है वो कहाँ है? उत्तर में पड़ता है, दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम या ईशान कोण? इसका आंसर है सी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मैप जो है उसे आप ध्यान रखते हैं तो वहां आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है, मीराबाई डैश सदी की कवयित्री थी, तो मीराबाई जो थी वो 16वीं सदी की कवयित्री थी। क्वेश्चन 108, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसने दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो इसे बैलेंस करना है, तो जब इसको किया होगा आपने तो इसका आंसर निकला होगा आपका आंसर सी, ऑप्शन सी। 109, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है, कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर, सेल या कर्नेल? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? एलसीडी डिस्प्ले का, मॉनिटर का, डेटा प्रोजेक्टर का या फ्लैट पैनल का? तो आंसर है डेटा प्रोजेक्टर का। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी इतने मुश्किल नहीं आए थे, निम्न विकल्पों में से गलत को चुने, फर्मवेयर, रोम, हार्ड डिस्क या मुख्य मेमोरी? तो यहाँ फर्मवेयर जो है वो गलत है। बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है गर्ल, वुमेन, अदर, ऑप्शन ए। 112 का है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 113, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय कौन से थे? महेश भूपति। ठीक है, महेश भूपति भारतीय थे। ठीक है, प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई है, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह, ये बच्चे ने तो सी लगाया था, गलत है इसका, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की एक इकाई है, दूरी की। ठीक है, नेक्स्ट है 115, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था
लालचंद उस्ता के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दरा वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया? तो इसका आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर ए 2013। राजस्थान को डैश क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा गया है कि कितने भौगोलिक क्षेत्र में या कितने संभाग में, तो यहाँ हम भौगोलिक क्षेत्र मानकर चलते हैं, तो आपका आंसर होगा डी, पांच भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? तो आंसर है मामी खान। क्वेश्चन 119, तो यहाँ पर कुछ समीकरण दी हुई है और इसका आंसर जो है 119 का ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। 120, इंटरनेट का कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? तो इनमें से क्या कहलाएगी वो? ई कॉमर्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर स्पीकर, माइक्रोफोन, प्लॉटर या एलसीडी मॉनिटर? तो देखिए, माइक्रोफोन जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? प्रिंटिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस? तो आंसर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटिंग डिवाइस। एलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? एलेक्जेंडर सिकंदर ने 300 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 326 या 360? तो ठीक है, 326 ईसा पूर्व एलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए क्वेश्चन 124 पर, भारत सरकार के नियम के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा 62। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में, तो देखिए इसका आंसर जो है वो आप खुद भी देखिएगा, इसका आंसर जो है थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ऑप्शन बी या सी इनमें से एक होगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है और ये पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप होता है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो लोकप्रिय संगीत है वो कौन सा है? तो वो है लावड़ी। नेक्स्ट है 126, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? तो वो थे वीर सिंह देव। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है? 127, तो पहला रोपवे है वो सुंदा पहाड़ियों पर बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है इसको कि पहला रोपवे जो है वह सुंदा पहाड़ियों पर बनाया गया है। नेक्स्ट है 128, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया के अस्थायी रूप से स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो देखिए, विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, तो इनको कौन दिलाएगा शपथ? स्पीकर जो है, स्पीकर की शपथ कौन दिलाएगा? कल्याण सिंह ने दिलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने राजस्थान क्ले का उपयोग करके कारों के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर का विकास किया? तो इसका आंसर है आईआईटी जोधपुर। क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में से प्रत्येक अक्षर एक अद्वितीय गणितीय चिन्हों के दर्शाते हैं? तो यहाँ आपने ये सॉल्व किया होगा, तो आपका जो आंसर आया है वह सही होगा ऑप्शन बी। चलिए 131 क्वेश्चन है, विषम को चिन्हित करें, ठीक है, जो कि समान नहीं है, सम नहीं है, क्रोम, ऑफिस 365, सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 132, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है? टोनर, कार्टी, स्पूलर, स्पूलर या फ्लैट पैनल? तो आंसर है फ्लैट पैनल, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहां पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए 134 पर चलते हैं, भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो बिल्कुल जिसने भी पढ़ा है पाषाण काल का, तो उसने आंसर इसका सही दिया होगा, बेलन घाटी। भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। 136 क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? तो यह आता है धारा 372 के तहत, धारा 372
372 किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? तो ठीक है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो वो किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से, राजस्थान में से। डैस को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ मारवाड़ की बात हो रही है, मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदयलाल अंजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री थे? तो वो थे सहकारिता विभाग के मंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशराव का मंदिर निर्मित कराया गया था? तो इसका आंसर है बूंदी। क्वेश्चन 141, एक निश्चित कॉर्ड में, तो यहाँ कुछ कॉर्ड दिया गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 142, तो यहाँ पर विकल्प का चयन करें, तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा, तो जैसे भोपाल मध्य प्रदेश, पणजी किससे संबंधित है? गोवा से। एक निश्चित कॉर्ड में मोबाइल को 56 लिखा जाता है, तो नेट को क्या लिखा जाएगा? 39, यानी ऑप्शन नंबर बी, 143 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 144 है, एलेक्स और रूमी माता की ओर से चचेरी बहन है, तो ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। जूबी एलेक्स की माँ है, सोम्या एलेक्स की बहन है, अलीसा रूमी की माँ है, तो जूबी का अलीसा से क्या संबंध होगा? बहन का संबंध होगा, ऑप्शन नंबर सी। वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, अब वह अपने बाएं मुड़ी, 45 मिनट चली, अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 32 मीटर चली, वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो वह अब दक्षिण दिशा के सम्मुख खड़ी है, 145 का होगा ऑप्शन नंबर डी। एक आदमी पश्चिम की ओर, तो यह भी आपका दिशा से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो होगा 146 का, यह होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 147, तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए हैं, आपने ये देखा होगा, तो इसमें कौन सा अनुसरण कर रहा है और कौन सा नहीं, ये आपको बताना था, तो इसका आंसर जो है वह होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए 148 पर देखते हैं, यहाँ पर रीजनिंग का ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 148 का ऑप्शन नंबर डी, RHR। नेक्स्ट है 149, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ 7 को अगर 56 से डिवाइड देते तो 8 से जाता, इसी तरीके से अगर 8 को 248 से डिवाइड देते तो आपका 31 आंसर आता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब ये आपका अंतिम प्रश्न है, नीचे चार शब्द दिए गए, इनमें से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार समान है और एक डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने इन चारों में से देखा होगा, तो यहाँ पर देखिए सभी जो है, सभी वर्ड जो है अल्फाबेट है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन जी वर्ड जो है वो आपका इन तीनों में नहीं है, तो ये विकल्प जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये आपका आंसर है। तो आप लोगों ने कितने सही किए हैं वो आप बताइएगा, 8 डेट का जो पेपर होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।